हेलो दोस्तों, आज आप मैं सभी के लिए लेके आया हूँ हुंडई i20, जिसमें कार की पूरी सर्विस करनी है और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी चेंज करना है। दोस्तों ये एयर फिल्टर है जो कि मैंने निकाल लिया है, अभी ये मैं साफ करने के लिए नीचे रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार स्पार्क प्लग आते हैं, जो सारे स्पार्क प्लग चेंज करने हैं, इसीलिए मैं सारे स्पार्क प्लग खोल रहा हूँ। इसी तरह से सारे स्पार्क प्लग ओपन होते हैं, खुलते हैं और बाद में इसको चेंज करके नया डाल देते हैं। क्या होता है दोस्तों कि 10,000-20,000 किलोमीटर कार अगर घूम जाती है, इसके बाद सभी लोग ये चेंज ही करवा देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बाइक में आता है, ऐसा ही सेम है। ये देख सकते हो आप, 1,45,000 किलोमीटर कार घूम चुकी है। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं कि गियर बॉक्स उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों चेंज करना है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स होता है, इसके बाद वो बैटरी स्टैंड और वो सब निकालना पड़ता है। और दोस्तों साथ साथ में लेफ्ट साइड का व्हील भी निकालना पड़ता है, क्योंकि जो गियर बॉक्स होता है और जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है, वो गियर बॉक्स और इंजन के बीच में आता है। अभी दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो गियर बॉक्स होता है वो व्हील के लेफ्ट साइड के व्हील के बाजू में और इंजन के लेफ्ट साइड में आता है। तो ये जो है ना, वो पूरा निकालना पड़ता है और दोस्तों इसमें बहुत ही टाइम जाता है। तो हम अभी ये निकाल रहे हैं, आपको दिखाएंगे पूरा इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अपनी कार में कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व करवाना चाहते हैं और किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें वो कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि हम इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस और हम जो टिप्स देते हैं वो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, हमने बैटरी निकाल लिया है और वो आप देख सकते हो जहाँ से हमने क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट निकाल लिया है। तो ये पोर्शन जो है वो इंजन का है और यहाँ पे पूरा गियर बॉक्स लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये आप देख सकते हो, ये रेडिएटर का फैन है और इसके पीछे इंजन है और ये जहाँ से खुला है वहाँ से ये वाला गियर बॉक्स आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है हुंडई i20 का गियर बॉक्स और ये है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये जो हमने निकाला है वो अभी ये हम नया वाला जेन्युइन पार्ट है, आप देख सकते हो जेन्युइन पार्ट है। तो ये हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हो इसमें वीडियो के अंदर, और ये दोनों हमने निकाल लिया है, ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों है। हम आपको नए और पुराने में डिफरेंस भी दिखाएंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बैरिंग जैसा लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा ऑयलिंग करके एक बैरिंग आता है, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये हमने लगा दिया है बैरिंग जैसा, और बाद में ये आगे पीछे होता है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे उसका लॉक भी आता है एक छोटा सा, तो ये हमने लॉक भी लगा दिया है। इसके बाद ये आप देख सकते हो हुंडई का जो सिंबल है, किया का जो सिंबल है, वो दोनों ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पे दोनों जगह पे है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट्स है वो ओरिजिनल है। ये आप देख सकते हो, ये पुरानी वाली है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है वो नई वाली है। दोनों में डिफरेंस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन क्या होता है कि वो एक्सेप्टेबल है वो, क्योंकि पुराना मॉडल का ये है और जो हम लाए हैं वो नया मॉडल का है। लेकिन क्या है कि दोनों में लग जाता है। और दोस्तों ये जो है वो ऑयल फिल्टर है, ये भी जेन्युइन पार्ट है, आप देख सकते हो। इस पे भी हुंडई और किया दोनों का सिंबल लगा है। बेसिकली दोस्तों हुंडई और किया दोनों एक ही कंपनी है, तो दोनों के पार्ट्स भी ऐसे सेम है। इसके बाद दोस्तों हमने ये एयर प्रेशर से पूरा क्लीनिंग कर दिया, जो कि अगर कुछ डस्ट वगैरह रह गया हो तो वो भी सारा निकल जाए। अभी ये दोस्तों मैंने पहले बताया था चार स्पार्क प्लग नए डालने हैं, तो ये नए आ चुके हैं, वो हम डाल देंगे। टाइम थोड़ा कम है और वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए क्या है कि हमने सारे जो
हमने जो किया मतलब स्पार्क प्लग चेंज किया, ऑयल चेंज किया, फिल्टर चेंज किया, वो सब मैंने वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि बाद में फिर वीडियो 10-15 मिनट की लंबी हो जाती, इसीलिए मैं सिर्फ ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जो लगाते हैं वो ही मैं अभी आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो ये मैंने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों यहाँ पे रख दिए है। अभी दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके जो स्क्रूज होते हैं वो लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे गियर बॉक्स जो है जो उतारा हुआ है थोड़ा सा हैवी होता है वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे लगाते हैं क्योंकि उसको थोड़ा वेट हैवी होता है। तो ये देखो, देख सकते हो आप ये मूवमेंट कर रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे गियर बॉक्स को इंजन के बाजू में बॉनेट के अंदर रेडी करके पीछे। तो लेफ्ट साइड का जो व्हील हमने खोल के रखा है वहां से उसको अंदर ले जाना पड़ता है। और आप देख सकते हो दो लोगों के हाथ है और तीसरा हाथ हम ऊपर से लगाएंगे ताकि ये जो है बहुत ही हैवी होता है, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आप 2-3 लोग इसको उठा सकते हो। अगर हाँ आपके पास जैक की सुविधाएं है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने साथ एक हेल्पर तो चाहिए ही चाहिए। तो आप देख सकते हो इसी तरह हमने थोड़ा ग्रीसिंग भी कर दिया है और अभी हम ये गियर बॉक्स उठाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल इंजन के बाजू में लगता है और ऊपर का सारा निकालना पड़ता है, बैटरी एसीएम वगैरह जो होता है ये देख सकते हो हमने गियर बॉक्स जो है वो लगा दिया है। और दोस्तों लास्ट में हम एक्सेल लगा के वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे एक्सेल लगता है जो व्हील ड्राइव मतलब जो व्हील को ड्राइव करता है ना वो वाला एक्सेल गियर बॉक्स के पीछे लगता है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि अगर उनकी कार में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो इजीली सॉल्व करके एक नजदीकी गैरेज तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आप देख सकते हो हमने जो गियर बॉक्स है वो फिट कर दिया है, बाद में हमने जैक जो है वो भी निकाल लिया है, बाद में ये सारी ऑयल वगैरह की जो लाइन होती है ब्रेकिंग की वो भी सारी हमने लगा दी है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे वीडियोस ज़्यादा देखने हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये आप देख सकते हैं हमने एक्सेल जो है वो लगा दी है।